हैं, सुरेंद्र राजपूत के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, फॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, पहले तो इसकी काट क्या है कांग्रेस के पास, और दूसरी कविता कैसी लगी, मुस्कुरा रहे हैं आप? गौरव भाई, कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, वो पानी में कांटा डाले बैठे, मछली फंस जाए। सच बात यह है कि जो शब्दों का विन्यास है ना, तुकबंदियां हैं, ये तुकबंदियां सबको आती है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए तुकबंदी से बड़ी चीज होती है परफॉर्म करना, और परफॉर्मेंस की स्थिति यह है कि किसानों से इन्होंने वादा किया था आय दुगनी करेंगे, नहीं की, खर्च और कर्ज तीन गुना कर दिया। रोज बेरोजगारों से वादा किया था दो दो करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दिए, बेरोजगारी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ा दी। मजदूरों से वादा किया था सुरक्षित एटमॉस्फेयर देंगे, मजदूरों के कानून खत्म कर दिए जो उनको प्रोटेक्शन देते। महिलाओं से वादा किया था कि आत्मसम्मान से जीने का अधिकार देंगे। राजपूत, तोड़ता नहीं हूं, लेकिन एक सवाल छोटा सा, बीच में समय कम है, वो तो ये तक कह रहे हैं कि अगली बार मैं ही आऊंगा, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप उनका? मैंने कहा ना कि आत्मविश्वास नहीं है, ये अहंकार है। अहंकार में और आत्मविश्वास में फर्क होता है, और इसके मैं आपको अहंकार बता रहे, चलिए जवाब ले लेते हैं। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। पूरे देश में मणिपुर से नूह तक आग लगी हुई है, और आप अहंकार में कह रहे हैं कि मैं ही आऊंगा। आप अरे भाई, शायरी के बाहर निकलिए, अब जवाब भी ले लेने दीजिए। शेरो शायरी के जरिए आपने सवाल उठा दिए। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस सीधा सवाल पूछ रही है, आपने जो वादे किए थे वो नहीं पूरे किए, आपने रोजगार को लेकर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, सिर्फ लाल किले के प्राचीर से बोला जा रहा है, लेकिन हकीकत ये काम हो नहीं रहा, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने 70 वर्षों तक इस देश को ठगने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे झूठ बोलने के अलावा क्या करेंगे? 11.8 करोड़ लोगों के घर में अगर जल पहुंचा तो काम किया गया, 2.5 करोड़ लोगों पर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंची, 13,000 नॉर्थ ईस्ट के गांव में कभी बिजली नहीं पहुंची थी, अगर उनको अंधकार मुक्त किया तो काम किया, अगर 37 किलोमीटर प्रतिदिन जो है हाईवे बन रहा है तो काम हो रहा है, अगर 74 एयरपोर्ट अगर 9 वर्षों में बन गए तो काम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल काम हो रहा है प्रेम शुक्ला जी, उसकी संख्या प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कल ही महंगाई का आंकड़ा भी आया है, वो कहां तक पहुंचा वो भी तो देश को बताइए। प्रेम शुक्ला जी, समय कम है, कांग्रेस भी आ रहा है, वो कहां तक पहुंचा देश को वो भी बताइए ना प्लीज, उस पर भी तो आपको बोलना चाहिए, कल महंगाई का आंकड़ा कहां पहुंच गया? हाँ, पता बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया आपने इस बिंदु को छेड़ा, अच्छा किया जी। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में तो कहा जाता था कोरिया में युद्ध हो गया तो यहाँ महंगाई की मार पड़ जाती है। आज 10 वर्षों के इनके शासन काल में 10% से अधिक मुद्रास्फीति की दर रही, आज 7.15%। कितने से फूड का इन्फ्लेशन हुआ से प्रेम जी? महंगाई की मार किसके जमाने में थी? महंगाई की मार 10% जो है सतत मुद्रास्फीति की दर, और प्रेम जी हो सकता है यही कारण हो कि वो गए और आप आए, शायद यही कारण हो सकता है कि वो गए और आप आए, उनके जमाने में दो डिजिट बैठा था, लेकिन वो भ्रष्टाचार जो है रेनकोट पहनकर जो है भ्रष्टाचार की बारिश में नहा रहे थे, वो शायद हो सकता है यही कारण हो वो चले गए। प्रेम शायद सुरेंद्र राजपूत कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड, समय नहीं है, 10 सेकंड। देखिए, ये सब जिस आज की डेट में जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन चलाने के बाद पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ती है, और हम लोग 6,18,000 गांव में बिजली देते हैं और ये मात्र 22,000 गांव में बिजली देकर के अपनी पीठ थपथपाते हैं, देश के बजट को जब हम 1760 करोड़ से 44,00,000 करोड़ का इनको करके देते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? पिछले 10 सालों की बात करने की जगह पिछले 70 सालों प्लीज, पर्सनल आक्षेप नहीं, चलिए समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।